नमस्ते नमस्कार आदाब, वेलकम बैक टू माय लवली सब्सक्राइबर्स एंड जो पहली बार यहाँ पर आए हैं उनके लिए वार्म वेलकम। आज वी द क्रिएटर्स पे हम सीखेंगे चपाती का जो आटा होता है परफेक्टली कैसे गूंदा जाए, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टीच यू पराठा चपातीस एंड फुलकास। लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड। पराठा या चपाती बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसका हम आटा कैसे मानेंगे। अभी सबसे पहले तो उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक इतना नहीं डालना है कि एकदम नमकीन हो जाए, बस ऐसे एक सॉल्टी टिंज होना चाहिए हमारे चपाती या पराठे में। तो ये मैंने 3 कप व्हीट फ्लावर लिया है, उसमें 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है। ये पहले अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मोस्टली दिखाया जाता है वीडियोस पे कि बाउल्स में आप लोग आटा नेड करते हैं, बट देखिए आपको किस में ज्यादा प्रेफरेबल है, ऐसे फ्लैट प्लेट पे या बाउल में। तो मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब पूरा पानी डाल मत दीजिएगा, नहीं तो आप उसे मॉडिफिकेशन में पूरा टाइम लगा देंगे। आटा हाथ में चिपकेगा मैं जानती हूँ, बट दैट इज हाउ यू सपोज टू डू इट। अब जैसे शुरुआत करोगे आपको पता चलेगा इसमें अभी कितना पानी जाना है। आटा आपका बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए और एकदम कड़क भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका आटा काफी पतला हो गया तो रोटी बनाते वक्त वो आटा काफी आपके हाथ में चिपकेगा, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर आपने बहुत कड़क भी आटा बना दिया ना, तो आपकी रोटी कड़क बनती है और आप उसे बेल भी नहीं पाते। धीरे धीरे करके आप उसे एक साथ करते रहिए। देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाल लिया के इसे एक साथ कर दिया। अब हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें हम तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद भी उसे एकदम अच्छे से मसलना है ताकि वो तेल अंदर सीप इन हो जाए इस तरह से। ये देखिए अभी एकदम इवन हो चुका है एंड तेल भी अच्छे से सीप इन हो गया है। नाउ आपका आटा रेडी है, लेट्स गो टू पराठा चपाती एंड फुलका। चलिए अब शुरुआत करते हैं चपाती के साथ। ये मैंने ऑलरेडी उसका रोल बना कर रख दिया है, थोड़ा सा आटा लगाऊंगी मैं। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि उसे गोल शेप में कैसे रखें। चपाती में बीच में तेल लगता है। अब ये काफी सिंपल चपाती का टेक्निक है, मैं वो दिखा रही हूँ आपको पहले। अब मैं शुरुआत से ही कोशिश करूंगी कि वो सर्कुलर शेप में रहे ताकि बनाते वक्त भी आपको इजी पड़े। तो ये मैंने आटा लगा लिया। अगर आप एकदम शुरुआत कर रहे हो और अगर आपका आटा थोड़ा सा गीला है तो आप ज्यादा सूखा आटा ले सकते हैं बेलने के वक्त। अब सर्कुलर शेप कैसे रखें, पहले मैं ओवल बनाऊंगी एंड ओवल को हॉरिजॉन्टल करके फिर उसे एक्सटेंड करूंगी, फिर इस एंगल में एक्सटेंड करूंगी, वापस उसे घुमाऊंगी इस एंगल में एक्सटेंड करूंगी, वापस घुमाऊंगी। तो बेसिकली वो सर्कुलर इसलिए रहता है जब हम उसे हर एक एंगल में घुमाते हैं। देखिए अब मैं इसे डालूंगी तवे। अब ये मैंने रोटी पलट दी है, डालने के बाद तवा गर्म हो चुका है तो अभी जल्दी जल्दी सेकी जा रही है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाऊंगी।
इसमें पराठे जितना तेल नहीं लगता है। देखिए ये पूरी तरह से पकनी चाहिए रोटी। किसी किसी लोगों को ज्यादा तेल पसंद है तो हम दूसरी तरफ भी तेल यूज कर सकते हैं। ये जो स्पॉट दिख रहे हैं उसका मतलब है रोटी अभी कच्ची है और उसे अभी पकाना है। देखिए ये साइड काफी अच्छे से पक चुकी है। अब अगर उसके साइड्स कच्चे हैं तो आप साइड्स को थोड़ा दबा सकते हैं। देखिए अब वो अच्छे से पक गई है। इस तरफ से मैं साइड्स को दबाऊंगी। ये हो गई आपकी रोटी। नेक्स्ट हम बनाएंगे पराठा। पराठा के लिए भी आप कास्ट आयरन तवा यूज करेंगे तो बेहतर होगा, वो काफी अच्छा और क्रिस्पी बनेगा। मैंने एक तरफ मेरा तवा गरम करने के लिए रख दिया है। अब पराठे के लिए रोटी से थोड़ा आप बड़ा गोला लेंगे। ये एकदम प्लेन पराठा है, मैं अभी स्टफिंग नहीं करूंगी। स्टफिंग वाले पराठे की वीडियोस मैं आपको बाद में अपलोड करूंगी। नाउ बिकॉज आई लाइक स्क्वायर पराठा, मुझे स्क्वायर शेप पराठा बनाना पसंद। मैं देखूंगी कि वो शेप मेरा स्टार्टिंग शेप हो। जैसे मैंने चपाती में भी कहा था कि अगर आपको सर्कुलर चपाती चाहिए तो आपका स्टार्टिंग भी सर्कुलर होना चाहिए। ये रहा स्क्वायर शेप। जैसे मैंने कहा एक साइड लेंगे हम, उसे एक्सटेंड करेंगे, उसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कीजिए, उसे एक्सटेंड कीजिए। वापस इस साइड को हम हॉरिजॉन्टल करेंगे। एक्सटेंड करेंगे, बस इसे भी हॉरिजॉन्टल करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। इससे क्या होता है, सब इवन भी हो जाता है, आपको कोई मोटा पतला जगह नहीं रहेगी आपके पराठे का। तवा अच्छे से गर्म हो गया है। देखिए तवा आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए अगर आपको पराठा या चपाती अच्छे बनानी है तो। आवाज भी आ रही है, मैं उसे पलट दूंगी। इसमें आप तेल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो, बटर लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा पराठे पर चपाती से ज्यादा तेल भी लगता है। चलिए पीछे की बाजू पक गई है, दिख रहा है, ये देखिए वाह मिलेगा। अगर आप मीडियम फ्लेम पे रखेंगे ना तो आपको क्रिस्पी पराठा भी मिलेगा और वो जलेगा भी नहीं, इसलिए मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है मेरा तवा। वाह ये देखिए जल भी नहीं रहा है और वो क्रिस्पी भी हो रहा है। अब इसके एंड्स थोड़े से बच जाते हैं तो आप उसे थोड़ा सा दबाइए तो वो भी पक जाएगा। वाह ये देखिए तो चलिए खा लीजिए आपका पराठा आपकी फेवरेट सब्जी के साथ। अब नेक्स्ट बारी है फुलके की। फुलके का आटे का गोला जो होता है वो चपाती या पराठे से थोड़ा छोटा होता है क्योंकि फुलके काफी पतले होते हैं। अब ये मैंने गोला बना दिया है, इसे मैं राउंड शेप में ही रखूंगी। अब देखिए मैंने तवा यहां पर नॉनस्टिक तवा यूज किया है, ठीक है, इसके लिए कास्ट आयरन ठीक नहीं है क्योंकि हो सकता है आपका फुलका जल जाए, इसलिए नॉनस्टिक ही इसके लिए सही रहेगा। अब देखते हैं फुलका को कैसे राउंड शेप में रखें। अब फुलके के बीच में बेलते वक्त तेल नहीं लगता है, ठीक है, तो इसे भी हम एक साइड एक्सटेंड करेंगे, उस साइड को भी हॉरिजॉन्टल करेंगे।
एक्सटेंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल जब मैं रोटी सीख रही थी ना, तो मुझे लोग कहते थे कि तुम्हें सीखते सीखते रोटी आ जाएगी, लेकिन मैं सोचती थी कि कोई तो वजह होगी कि वो रोटी गोल बनती है। एंड सो आई केम अप विद दिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थिंग। ये होगी आपकी गोल रोटी। अब इसे हम डालेंगे तवे पे। अब फुलके को बनाने की काफी टेक्निक होती है। ये अब जिस तरफ है उसके नीचे का हिस्सा हम एकदम थोड़ा सा गर्म करेंगे। आपको ऊपर से पता चल जाएगा कि नीचे से वो कितना सेक चुका है। ठीक है, फुलके के लिए आपके पास चिमटा होना चाहिए या टोंग्स। ठीक है, आप थोड़ा गैस बढ़ा सकते हैं अगर आपका तवा गर्म नहीं हुआ हो तो। ये देखिए, अब ये नीचे से इस तरह से थोड़ा दिखने लगे तो आप उल्टा कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा ही सेका है मैंने। अब ये बाजू हम गैस हाई करेंगे, सेकेंड साइड। अब सेकेंड साइड हमें अच्छे से होनी देनी है क्योंकि थर्ड टाइम मैं उसे नहीं सेकूंगी। ये देखिए, इस तरफ से ब्राउन हो चुका है थोड़ा, और थोड़ा होने दूंगी मैं। आप देख सकते हैं कि रोटी फूल भी नहीं। देखिए, ये अभी एकदम परफेक्ट है। अब मैं क्या करूंगी, थर्ड स्टेप इज मैं तवा उठाऊंगी और इसे आप गैस पर डायरेक्टली डालूंगी। देखिए, आपका फुलका फूल गया है। लेट्स हैव गरम गरम फुलका। अब फुलके पे आप घी लगा सकते हैं, आप तेल भी लगा सकते हैं। ये है फुलके की वो साइड जो मैंने डायरेक्ट गैस पे डाली थी। अब मैंने और एक बाउल में आटा गूंदा है जो गलत गूंदा गया है। मैं दिखाती हूँ वो गलत कैसे है। सबसे पहले अगर आप प्रेस करेंगे तो काफी अंदर जाएगा, और अगर आप निकालेंगे ना तो ये आपके हाथ में चिपकेगा। इसके आप अगर गोले भी बनाओ तो भी ये हाथ में आपके चिपकेंगे। ये देखिए, आटा मुझे चिपक रहा। अगर ऐसा आपका आटा गूंदा गया है तो आप फिक्र मत कीजिए, आप वो भी ठीक से कर सकते हैं। इसमें आपको बस क्या करना है, थोड़ा ड्राई आटा डालना है। हाथ को भी उसके बाद फील होगा कि ये अब चिपक नहीं रहा है, मतलब आपका अभी आटा सही है। इसके बाद भी तेल डालना मत भूलिए। इसे भी अच्छे से प्रेस करना जरूरी है, सर्व करना जरूरी है। अब देखिए, ये आटा भी वो पहले वाले आटे की तरह दिख रहा है। हाय गैल, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने उससे कुछ सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी चीज के बारे में कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी वो वीडियो बनाने की। आज के लिए टिप है, आपका जो रोटी का आटा है अगर काफी बारीक पीसा होगा तो आपकी रोटियां काफी सॉफ्ट रहेंगी पूरे दिन तक। ट्राई करके देखिएगा।
अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम फिर से मिले। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।